दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मंतेश सिंह गौड़क। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अमेरिका की नेवी अपने T-45 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट को ढूंढ रही है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या LCA तेजस फाइटर जेट का नेवल वेरियंट अमेरिका की नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है या नहीं। दोस्तों इससे पहले कि आप बहुत उम्मीदें लगाना शुरू कर दें और आप में से बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर दें कि तेजस इतना केपेबल नहीं है और अमेरिका की नेवी इसको नहीं खरीदेगी, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमेरिका की नेवी के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट की। ये अमेरिका की नेवी के लिए कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, बल्कि उनके फाइटर पायलट्स के लिए एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है। अमेरिका की नेवी इससे पहले अपने पुराने हो चुके बोइंग T-45 गोशाक फ्लीट को ऑपरेट करती थी, जिसे 1970s में डक्ट किया गया था। ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, इसलिए अमेरिका इन ट्रेनर्स को रिप्लेस करना चाहता है। T-45 गोशाक एयरक्राफ्ट ब्रिटिश एरोस्पेस द्वारा बनाया गया हॉक एडवांस जेट ट्रेनर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ड्यूल सीट्स लगी हुई हैं और ये अमेरिका की नेवी के पायलट्स के लिए बेसिक एडवांस फ्लाइंग और वेपन ट्रेनिंग्स देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अमेरिका की नेवी ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की है, उसमें वो एक नॉन डेवलपमेंटल लैंड बेस्ड जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहते हैं, जो कि फील्ड कैरियर लैंडिंग प्रैक्टिस के लिए और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टच एंड गो लैंडिंग्स के केपेबल हो। यानी कि उन्हें ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जिसे कि वो अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो एयरक्राफ्ट अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लैंडिंग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जा सके और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर टच एंड गो लैंडिंग्स कर सके। और इसके साथ ही उन्हें एक 2-सीट पायलट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जिसमें इजेक्शन सीट्स लगी हों। ये एयरक्राफ्ट उन्हें 2028 तक चाहिए। अमेरिका के नेवी के इस टेंडर के लिए जो लाइकली कंटेंडर्स हैं, वो है बोइंग और साब के जॉइंट वेंचर में बना T-7A एयरक्राफ्ट, जो कि अमेरिका की एयरफोर्स के TX कॉम्पिटिशन को भी जीत चुका है, और इसके साथ ही लॉकेट मार्टिन द्वारा बनाया गया T-50A एयरक्राफ्ट, जो कि FA-50 लाइट अटैक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसे कि कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। उसके साथ ही लियोनार्डो द्वारा बनाया गया T-100 एयरक्राफ्ट शामिल है, लेकिन जिन सभी एयरक्राफ्ट के बारे में अभी तक हमने बात की है, वो कैरियर्स के ऊपर लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकते और ना ही इन्हें अभी तक कैरियर लैंडिंग्स और लॉन्चेस के लिए मॉडिफाई किया गया है। अभी तक हमारे देश का LCA नेवी प्रोग्राम ही ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक मॉडर्न 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए बनाया गया है, बल्कि इसके साथ ही एक 2-सीट वाला एयरक्राफ्ट भी है और इसके साथ ही इसने कैरियर्स के ऊपर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी को भी डेमोंस्ट्रेट किया है। और यही कारण है कि ये एयरक्राफ्ट अमेरिका की नेवी की ट्रेनर रिक्वायरमेंट्स के लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अमेरिका की नेवी द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की गई है, उसमें ये तो नहीं बताया गया कि उन्हें रेस्टेड लैंडिंग या कैटापल्ट लॉन्चेस वाला एयरक्राफ्ट चाहिए, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि वो कैरियर्स के ऊपर टच एंड गो लैंडिंग्स कर सके। टच एंड लैंडिंग केपेबिलिटी वो केपेबिलिटी होती है जिसमें कोई एयरक्राफ्ट एक कैरियर के ऊपर लैंड तो करेगा, लेकिन वहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि फिर से टेक ऑफ कर लेगा। लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए भी उसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत होती है। उसके लोअर अंडर कैरिज, लैंडिंग गियर्स और फ्यूजलाज में चेंजेस करनी होती है ताकि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट कर सके। हमारे देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि LCA तेजस नेवल वेरिएंट के ऊपर परफेक्ट की गई है, और अगर हमारा देश अमेरिका की नेवी द्वारा जारी की गई रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करता है, तो हमारे देश द्वारा बनाया गया LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। दोस्तों LCA तेजस का नेवल वेरिएंट एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे कि ADA ने एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर बनाया है, क्योंकि इंडियन नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बदल ली थी, इसलिए इंडियन नेवी अब ड्यूल इंजन वाला एयरक्राफ्ट चाहती है और इसीलिए LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा गया था। लेकिन अमेरिका की नेवी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो इसलिए LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट उनके लिए एक अच्छा फाइटर ट्रेनर बन सकता है। जहां पर आपको ये भी बता दें कि जो टेंडर अमेरिका की नेवी ने जारी किया है, उसमें ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए या ऐसी कैपेबिलिटीज को पैदा करने के लिए 6 से 7 साल का समय दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक वो स्टैंडर्ड को पूरा करें, तब तक दूसरे देश भी एक कैरियर केपेबल ट्रेनर एयरक्राफ्ट डेवलप कर लें और इसे अमेरिका की नेवी को ऑफर कर दें। और क्योंकि दूसरे देश लॉबिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारे देश की HAL एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, तो ऐसा हो सकता है कि LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट ना किया जाए। लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट को स्टैंडर्ड में भेजना चाहिए, इससे हमारे देश के एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलेगा। और इसके साथ ही LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को अमेरिका के एयरफोर्स चीफ भी उड़ा चुके हैं और उनका भी कहना था कि ये एयरक्राफ्ट अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।